तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले तिल का कचरियू। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और इसे विंटर में जरूर खाना चाहिए। और आज मैं कचरियू बिना घी और ऑयल के बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम किचन। तो कचरियू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में 1 कप काले तिल लेंगे। फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ अखरोट, काजू, बादाम लिया है। आप आपके पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिक्सर दरदरा पीस के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट का पाउडर, 1/2 टीस्पून पॉपी सीड यानी कि खसखस डालेंगे और 1/2 कप गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ देसी गुड़ यूज़ किया है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। हमें कचरियों को तब तक पीसना है जब तक इसका टेक्सचर इस तरह का नहीं होता है, ये बाइंड नहीं हो जाता है, क्योंकि तिल में ही हमारा इतना ऑयल होता है कि हमें और ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा बाइंड भी हो जाएगा हमारा कचरियों। तो आप बिल्कुल इसी तरह से कचरियों बनाएं ताकि आपको ऑयल या घी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम कचरियों को एक बाउल में ले लेंगे और इसे दबा के अच्छा शेप दे देंगे और फिर हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो अब मैं इसे काजू की स्लाइसेस और चारों इसे गार्निश कर लूँगी। तो अब हमारा एकदम हेल्दी और टेस्टी काले तिल का कचरियू रेडी हो चुका है। तो आप भी इस विंटर में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।